प्रदेश के पूर्वांचल में एक से बढ़कर एक माफिया पैदा हुए। श्री प्रकाश शुक्ला की धमक पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में सुनाई पड़ी। इन दिनों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक नया नाम काफी चर्चा में है। उस माफिया को श्री प्रकाश शुक्ला से भी ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। यूपी पुलिस महानिदेशक यानी DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने इस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इस गैंगस्टर का नाम है राघवेंद्र यादव। पहले इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गांव जंगाहा में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान लेने के बाद गैंगस्टर राघवेंद्र यादव चर्चा में आया। इनाम के हिसाब से राघवेंद्र गोरखपुर जोन का सबसे बड़ा बदमाश बन गया है। इससे ज्यादा इनाम 90 के दशक में जरायम की दुनिया में नाम कमाने वाले माफिया श्री प्रकाश शुक्ला पर भी नहीं था। श्री प्रकाश शुक्ला पर 2 लाख रुपए तक ही इनाम था। राघवेंद्र ने 10 अप्रैल 2018 को रिटायर्ड दरोगा जयहिंद यादव और उनके बेटे को गोलियों से भून डाला था। ADG जोन अखिल कुमार के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जंगाह का ये बदमाश बेहद शातिर किस्म का है। आरोप है कि राघवेंद्र ने 7 जनवरी 2016 में मामूली विवाद में ही गांव के ही चाचा भतीजे को दिन दहाड़े गोली मारी थी। इनके नाम बलवंत और उसका भतीजा कौशल था। इस मुकदमे में राघवेंद्र के साथ ही राम लखन को भी आरोपी बनाया गया था। 2016 में बलवंत और कौशल की जान लेने के मामले का केस कोर्ट में चल रहा था। इसी बीच 2018 में राघवेंद्र ने मुकदमे की पैरवी करके लौट रहे रिटायर दारोगा को गोलियों से भून डाला। इसके अलावा मृतक कौशल के पिता जयहिंद यादव और उसके छोटे बेटे नागेंद्र यादव की गांव के पास ही गोली मारकर जान ले ली। बता दें कि चाचा भतीजे की जान जाने के बाद रिटायर दरोगा व उसके परिवार को सुरक्षा दी गई थी। रिटायर दरोगा के सबसे छोटे बेटे राम मिलन को शस्त्र लाइसेंस भी दिया गया था। इसके बाद भी आरोपी घटना को अंजाम देने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक अब भी परिवार के पास सुरक्षा मौजूद है। छोटे बेटे राम मिलन व उनके परिवार की सुरक्षा सतर्कता के साथ की जा रही है। इस मामले में भी राघवेंद्र पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, फिर बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। इसके बावजूद बदमाश राघवेंद्र यादव पुलिस की पकड़ से दूर ही रहा। अब इनाम की राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। पुलिस वहीं उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत है। राघवेंद्र को आखिरी बार कोलकाता में 2018 में ही देखा गया था। बताया जा रहा है कि उसने फर्जी पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था और उसी की मदद से बैंकॉक चला गया। इसकी पुष्टि पुलिस नहीं कर पाई थी। आरोप लगने पर तत्कालीन चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई भी की गई थी। राघवेंद्र यादव पर झंगाहा थाने में 5 मुकदमे दर्ज हैं। 2016 में मारपीट, बलवा, जान लेने की कोशिश और आपराधिक साजिश का केस हुआ था। इसके बाद 2018 में ही धमकी देने का केस दर्ज हुआ। 2019 में पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा 2021 में अदालती सम्मन पर उपस्थित ना होने का भी केस दर्ज किया गया था। इस बारे में थाना अध्यक्ष झंगाह के मोबाइल नंबर पर सूचना दी जा सकती है। क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा ने भी मोबाइल नंबर जारी किए हैं। पुलिस का कहना है कि जो सूचना देगा उसका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। गोरखपुर जोन ADG अखिल कुमार ने बताया कि राघवेंद्र यादव फरार चल रहा है। उस पर इनाम बढ़ाने के लिए DGP कार्यालय फाइल भेजी गई थी। अब DGP ने इनाम की राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।